वर्जी था पाकिस्तान का परमाणु क्षमता वाली क्रूज मिसाइल के लॉन्च का दावा। अब पाकिस्तान ने उसको किया है या नहीं किया है ये बात क्वेश्चन मार्क है। नए साल में पकड़ा गया पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल वाला झूठ। पाकिस्तान के झूठ वाले 29 सेकंड के वीडियो ने 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के लिए मजाक बना दिया। हम बहुत आगे हैं यार, तुमसे ना हो पाएगा। तथनी और करने में बहुत फर्क होता है, करके दिखाएं तो जाने। अगर आप कोई चीज खरीद के अपने सबमरीन में लगा सकते हैं तो आपको टाइम कम लगता है। अग्नि की जलन में स्वाहा हुए फर्जिस्तान की दुनिया के सामने खुली पोल। पाकिस्तान ने अपने दोस्त मित्रों के साथ मिलकर मिसाइल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान का दावा है कि हिंद महासागर में सीक्रेट लोकेशन पर मिसाइल लॉन्च हुआ, लेकिन क्या पाकिस्तान ने बाबर 3 क्रूज मिसाइल लॉन्च का नकली वीडियो बनाया है? हमारी अचीवमेंट्स को देखते हुए डर के ऐसा किया? पाकिस्तान तो डरा है बाजू का, उसका जो राष्ट्र है चीन भी डरा हुआ है। जलन के मारे के इस तरीके से वो झूठी न्यूज फैला रहा है। अगर हमने एनिमेशन किया है तो एनिमेशन के कलर्स और रियल वीडियो के कलर्स में हमेशा डिफरेंस होगा। जिस मिसाइल को बनाने में अमेरिका रूस जैसी महाशक्तियों के पसीने छूट गए, उसका मास्टर पाकिस्तान कैसे बना? सबसे डिफिकल्ट लॉन्चिंग सिस्टम जो होता है वो होता है सबमरीन लॉन्च। मिसाइल की ये 3 तस्वीरें आज आपको पाकिस्तान के झूठ के सबूत देंगी। पाकिस्तान के टेस्ट जो होते हैं वो एक तरह से अपनी पावर को शो करने के स्थिति में। वर्जिस्तान का नकली बाबर। तो आज जब भी आप हमारा कार्यक्रम देखेंगे आपको ना केवल हंसी आएगी, मजाक सूझेगा, बल्कि अंत आते आते पाकिस्तान पर तरस भी आएगा कि पाकिस्तान ऐसे हथकंडे क्यों अपनाता है। नमस्कार, मैं हूं सचिन। भारत की अग्नि से पाकिस्तान के परमाणु ड्रीम्स स्वाह हो गए। जलन इतनी कि पाकिस्तान को झूठ का सहारा लेना पड़ गया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के उस झूठे दावे की जिसमें उसने कहा कि 9 जनवरी को पाकिस्तान ने बाबर 3 क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। पाकिस्तान के दावे को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उसका झूठ पकड़ा गया। दावा रेज फॉर स्टाइफन ट्विटर अकाउंट होल्डर का है कि पाकिस्तान का बाबर 3 क्रूज मिसाइल टेस्ट का वीडियो पाकिस्तान की नियत जैसा ही नकली है। खुद को सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट कहलाने वाला रेज 47 ने सबूत भी दिए हैं जो आपको देखना चाहिए और देखने बहुत जरूरी है, तभी आपको फर्जिस्तान के नकली बाबर को आप समझ पाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए क्या गड़बड़ जाला पाकिस्तान ने किया। बिना गौर किए अगर आप मिसाइल लॉन्च के इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपको सफल टेस्ट का वीडियो दिखाई देगा, लेकिन 29 सेकंड का ये वीडियो जारी होने के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान का सच सामने आ गया। हवा में उड़ती ये बाबर 3 क्रूज मिसाइल 27 सेकंड में अपने लक्ष्य को भेद देती है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो के हर सेकंड पर उठ रहे सवालों को देखिए। समुद्र से जब बाहर आ रहा है वो जो वीडियो दिखाया गया है वो काफी शैलो एंगल, ऑलमोस्ट अबाउट 35 to 40 degrees। ज्यादा 10 degrees 15 degrees एंगल होता है। कुछ क्वेश्चन मार्क्स इस पे हम रेज कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है? ये क्वेश्चन मार्क टेक्नोलॉजी है। ये गेम तो बहुत पहले से चल रहा है। हमने जब शक्ति परीक्षण किया था उसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स फायर किए थे।
सबसे पहले देखिए इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई। 9 जनवरी की शाम को पाकिस्तानी सेना की पीआर विंग आईएसपीआर यानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के डीजी की तरफ से ट्वीट करके बाबर 3 क्रूज मिसाइल के टेस्ट फायर का वीडियो पोस्ट किया गया। ट्वीट में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर तक वार करने वाली बाबर 3 क्रूज मिसाइल का पहला परीक्षण किया और पाकिस्तान के लोगों को बधाई भी दी। लेकिन जब भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने इस वीडियो की जांच की तो पाकिस्तान का झूठ आसानी से पकड़ में आ गया। पाकिस्तान के इस झूठ को सबसे पहले राज 47 ट्विटर अकाउंट ने पकड़ा। राज 47 का दावा है कि वो एक सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट है। ये ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो सैटेलाइट से हासिल तस्वीरों और जियोलोकेशन द्वारा हासिल आंकड़ों की मदद से बता सकते हैं कि मिसाइल टेस्ट सच में हुआ है या नहीं। दावा ये किया जा रहा है कि वीडियो 3 अलग अलग वीडियो क्लिप्स को जोड़कर बनाया गया है। पहली क्लिप करीब 15 सेकंड की है जिसमें मिसाइल लॉन्च हो रही है और हवा में उड़ान भर रही है। दूसरी क्लिप 16 से 24 सेकंड के बीच की है। इस दौरान इस मिसाइल को एक पहाड़ी इलाके के ऊपर उड़ता हुआ देखा जा सकता है। तीसरी क्लिप 24 से 29 सेकंड के बीच की है जिसमें मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है। राज 47 के सबूतों के अलावा हमने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर जनरल विजय कुमार सारस्वत से भी बात की। वीके सारस्वत पृथ्वी मिसाइल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुके हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की टीम में मुख्य वैज्ञानिक भी थे। मिसाइल झूठ का सबूत नंबर 1, मिसाइल के लॉन्च होने का एंगल तिरछा है जबकि ज्यादातर मिसाइलें पानी से सीधे बाहर आती हैं। आप देखिए उस वीडियो में कि एक वो वीडियो है जो मिसाइल एक काफी शैलो एंगल से बाहर आ रहा है, समुद्र से जब बाहर आ रहा है वो जो वीडियो दिखाया गया है वो काफी शैलो एंगल ऑलमोस्ट अबाउट 35 to 40 degrees। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर आपने इंक्लाइन लॉन्च किया है तो जो आपका कैनिस्टर सबमरीन में इंटीग्रेट किया है उसको इंक्लाइन किया हुआ आपने, वो एक 0.5 किलोमीटर डायमीटर के मिसाइल को कैनिस्टर के साथ इंक्लिनेशन पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप इंक्लिनेशन दे सकते हैं सबमरीन में तो मे भी 10 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, नहीं तो सबमरीन का डायमीटर बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। मिसाइल झूठ का सबूत नंबर 2, जब मिसाइल लॉन्च होती है 8 सेकंड तक सब कुछ ठीक रहता है लेकिन अगर इन तस्वीरों को पॉज किया जाए तो आप देखेंगे कि मिसाइल में से कुछ अलग होकर गिर रहा है। इसे मिसाइल का कैनिस्टर कहा जाता है जिसमें मिसाइल को रखा जाता है। सवाल है कि करीब 7 सेकंड तक मिसाइल का कैनिस्टर क्यों उससे जुड़ा रहेगा। मिसाइल झूठ का सबूत नंबर 3, उड़ान भरते वक्त मिसाइल स्लेटी रंग की दिखाई दे रही है लेकिन 16वें सेकंड से जब इस मिसाइल को उड़ता हुआ दिखाया जाता है तो मिसाइल का रंग बदल कर नारंगी हो जाता है। तो क्या लॉन्च का ये वीडियो अलग अलग वीडियो और एनिमेशन से जोड़कर बनाया गया है? एक अंडर वाटर बूस्टर होता है इन सब मिसाइल्स में, जब वो कैनिस्टर से बाहर आता है मिसाइल उसके बाद एक बूस्टर फायर करते हैं, तो बूस्टर की जो प्लूम होती है पानी के अंदर एक रंग की होती है और पानी के बाहर आने के बाद उसकी प्लूम का कलर, क्योंकि हवा के साथ उसका रिएक्शन होता है तो अलग होता है। हो सकता है कि उसकी वजह से ये जो आपने डिफरेंस ऑफ कलर देखा हो वो उसकी वजह से हो, और ये भी कुछ लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर हमने एनिमेशन किया है तो एनिमेशन के कलर्स और रियल वीडियो के कलर्स में हमेशा डिफरेंस होगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। शुरू में बात की जो 16 सेकंड की क्लिप है उसमें मिसाइल का रंग तकरीबन सफेद से ग्रे कलर का दिखाई देता है पर उसके बाद एकदम से मिसाइल का रंग चेंज होके नारंगी से लाल के बीच में दिखाई देता है। मिसाइल झूठ का सबूत नंबर 4, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान ने कभी ऐसी किसी क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया ही नहीं, और वीडियो के अंत में जिस जगह मिसाइल निशाना साधती है उस जगह की पहचान भी कर ली गई है। गूगल अर्थ नामक एप्लीकेशन की मदद से पता चला है कि ये बलूचिस्तान का पहाड़ी इलाका है और इस इलाके का नाम ओरमारा है।
राज 47 का दावा है कि जिस जगह से मिसाइल को छोड़ा गया वहां से ओरमारा की दूरी 15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान की मिसाइल ने इस दूरी को कवर करने में सिर्फ 8 सेकंड का वक्त लिया। इस हिसाब से इस मिसाइल की स्पीड 6,750 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। आपको बता दें कि बाबर 3 क्रूज मिसाइल की टॉप स्पीड सिर्फ 800 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब मिसाइल समुद्र से बाहर आता है, सबमरीन से बाहर आता है, उस समय उसकी बहुत कम होती है, वो 15-20 मीटर पर सेकेंड इस तरह की स्पीड होती है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होती है। जिसने भी उसका एनालिसिस किया है उसको चाहिए कि फ्रेम बाय फ्रेम उसकी स्पीड कैलकुलेट करो कि वो स्पीड कितनी थी। अगर हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हाइट हुई, उतनी स्पीड और हाइट के हिसाब से उतनी हाइट 7 या 8 या 10 या 15 सेकेंड में अगर उन्होंने गेन किए और उसके हिसाब से अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हुई, 15-20-30 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है, तो हमें उसको क्वेश्चन डालना पड़ेगा कि तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है सिर्फ 8 सेकंड में। हाइपर सोनिक रेंज में पड़ता है और इसकी वजह से इतनी स्पीड की मिसाइल आज तक दुनिया में दिखाई नहीं दी है क्रूज मिसाइल के सेक्शन में। मिसाइल झूठ का सबूत नंबर 5। तो क्या 3 अलग अलग वीडियो क्लिप्स को जोड़कर मिसाइल टेस्ट का ये फर्जी वीडियो बनाया गया है? जानकारों की माने तो जिस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है उसकी मदद से ऐसा फर्जी वीडियो बनाना बाएं हाथ का खेल है। आज की एनिमेशन टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, जो कि आपकी फिल्मों में आप देख रहे होंगे, कि पूरा का पूरा एक्शन जो है हम एनिमेट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम एनिमेशन मिसाइल लॉन्च का, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ का या अंडर वाटर मूवमेंट का, सब कुछ कर सकते हैं आजकल। देयर इज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर एनिमेशन एंड गेमिंग एंड यू कैन बी एज रियल एज पॉसिबल, सो इट इज फिजिबल। 16 सेकंड से लेकर 24 सेकंड तक बड़े साफ तरीके से पता चलता है कि ये एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है जो उन्होंने बना रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पास जैसी तकनीक मौजूद है उसको अगर देखें तो सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल बनाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन जैसा लगता है। तो क्या पाकिस्तान ने अपने बाकी हथियारों की तरह बाबर 3 भी चीन से उधार लिया है? सबसे सरल काम जो होता है मिसाइल लॉन्च में होता है लैंड लॉन्च, उसके बाद नेक्स्ट होता है एयर लॉन्च, और सबसे डिफिकल्ट लॉन्चिंग सिस्टम जो होता है वो होता है सबमरीन लॉन्च। तो सबमरीन लॉन्च टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने में इवन डेवलप्ड नेशंस ने काफ़ी साल लगाए, चाहे वो रशिया रहा हो, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे और हम लोगों ने भी जो सबमरीन लॉन्च सिस्टम्स बनाए आपको मालूम है, काफ़ी एफर्ट्स के साथ बाद हम लोगों को सफलताएं मिली हैं। ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट करना एक बड़ा ही कठिन काम है और इसके पहले कोई एविडेंस नहीं था कि वो इस तरह की मिसाइल पर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि चीन की तरफ से उनको टेक्नोलॉजी मिली है, क्योंकि चीन पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के पीछे है। 9 जनवरी को ट्वीट करने के बाद पाकिस्तान इस बात पर फूला नहीं समा रहा था कि उसने भारत को टक्कर देने वाली मिसाइल बना ली है, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान की पोल भी खुल गई और फर्जी बाबर का सच भी सामने आ गया। दिल्ली से रूफी जैदी और मनीष शुक्ला के साथ अजय महाजन, जी मीडिया, पठान। पाकिस्तान के बाबर 3 वाले झूठ से पर्दा हट चुका है। दुनिया भर में पाकिस्तान को न्यूक्लियर जोकर की तरह देखा जा रहा है। दुनिया हंस रही है, पाकिस्तान मीडिया झूठ को पोल खोल रहा है। हालांकि पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में मजाक बन जाना कोई नई बात नहीं है। ऐसे तमाम मौके आते हैं पाकिस्तान जोकर बन जाता है। पाकिस्तान के ब्लफ वाले 29 सेकंड की वीडियो ने दुनिया भर में पाकिस्तान को मजाक बनाकर रख दिया है। देखिए, ये गेम तो बहुत पहले से चल रहा है। हमने देखा था जब मैं 2012-13 में जब हम लोग लॉन्च किया करते थे तो इमीडिएटली उसके 1 वीक के अंदर कुछ ना कुछ लॉन्च की न्यूज़ पाकिस्तान से भी आती थी। हमने एक जैसे अब देखिए, हमने जब शक्ति परीक्षण किया था उसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स फायर किए थे।
पाकिस्तान पेड़ की टहनी पर बैठे उस बंदर की तरह है जो परमाणु कार्यक्रम बनाता नहीं है, भारत की नकल करता है। बात 1974 की हो या फिर भारत के अग्नि 5 के परीक्षण की, पाकिस्तान ने तब भी नकल की थी और आज भी। लेकिन पाकिस्तान भूल जाता है कि नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। हिंदुस्तान जितने भी टेस्ट करता है वो अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाने के लिए करता है, और जहाँ तक पाकिस्तान के टेस्ट जो होते हैं वो एक तरह से अपनी पावर को शो करने के स्थिति में। सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका रूस जैसे सुपर पावर्स को जो टेस्ट करने में वर्षों लग जाते हैं पाकिस्तान फटाफट कर लेता है। सवाल तो यही है कि भुखमरी से मरने वाला देश परमाणु कार्यक्रम इतने फास्ट कैसे करता है। जवाब भी है क्योंकि हमारी जितनी टेक्नोलॉजी है वो इंडिजिनस है, तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के लिए आपको टेस्ट वेरिफिकेशन तो करना ही पड़ता है। जैसे हमने अभी 4 अग्नि 5 के टेस्ट किए तो हमने उसको वेरीफाई किया, रिलायबिलिटी टेस्ट की, सब किया, जो कि एक टिपिकल डेवलपमेंट साइकिल है। खैर, दुनिया भर में बाबर 3 क्रूज मिसाइल वाले झूठ पर पाकिस्तान की थू थू हो रही है, तो पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान के झूठ की जय जयकार करके रही सही कसर पूरी कर रहा है। पाकिस्तान ने बाबर 3 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। मिसाइल की रेंज जो है वो 450 किलोमीटर है। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कोमोडोर रिटायर्ड उबैदुल्ला साहब। उबैदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अभी इंडिया ने अभी 26 दिसंबर को यानी कुछ दिन पहले ही अग्नि 5 मिसाइल का जो है वो तजुर्बा किया है। ये मिसाइल 5,500 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकता है। चूंकि हमारे कोई अजाइम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इंडिया के जो टेस्ट फायरिंग की सीक्वेंस है उन्होंने 2016 में 12 टेस्ट किए हैं। पाकिस्तान के फर्जी बाबर 3 के टेस्ट का रियल टेस्ट करने के लिए हम अलग अलग शहरों की जनता के बीच पहुंचे। पाकिस्तान के फर्जी मिसाइल टेस्ट पर वाराणसी की जनता की राय सुनी। कि पाकिस्तान भी जो है किसी बाबर नाम के फर्जी मिसाइल को दागा है, और ये संदेश देना चाहता है कि हिंदुस्तान को अब हम लोग जो है वो अपने नापाक इरादे में हिंदुस्तान को डराएं। हमने सुना है कि बाबर नाम के मिसाइल को उन्होंने जो है, लेकिन ये कहां तक सच है अब तो वही जानेंगे कि ये मिसाइल उन्होंने दागा है और इससे वो क्या कर लेंगे। बाबर 3 के फर्जी टेस्ट पर मुंबई कर क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। बाबर 3 जो मिसाइल्स कल न्यूज आ रही थी ये कम्प्लीटली फेक है। हमने वीडियोस जारी किए हुए थे जो इंटरनेट पे या तो फेसबुक पे आ रहे थे, वो कम्प्लीटली फेक है और वो फोटोशॉप करते हुए मतलब एग्जैक्टली दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो मिसाइल का परीक्षण फर्जी है। 2 मिसाइल को एक करके उन्होंने वीडियोग्राफी किया है, ऐसा दिख रहा है। पाकिस्तान के झूठ पर पटना के लोगों की राय सुनी। हंड्रेड % लजानी वेली खंभा नोचे वाली कहावत हुई है। हमारे शानदार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अग्नि मिसाइल के परीक्षण से बौखला के पाकिस्तान ने फर्जीवाड़ा किया है। उसका शुरू से तो ऐसा ही माहौल रहा है कि अगर हम 2 कदम चलते हैं तो वो 4 कदम का शो आउट करता है, जबकि हकीकत बिल्कुल वैसा ही नहीं है। जो ये वही बात हो गई, बिना बारूद वाला बम ब्लास्ट करना। परमाणु बम से दिल्ली को निशाना बनाने की धमकी देने वाले पाकिस्तान पर दिल्ली का दिल क्या कह रहा है ये भी सुनिए। ये अस्त्र शस्त्र तो तब होते हैं जब आपके पेट में खाना हो। कोशिश करते हैं भारत का मुकाबला करें। अरे, भारत का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की जनता जनार्दन की बातों का लबालवाब तो यही है कि पाकिस्तान ने हमेशा ही झूठ बोला है। ये दिखाएगा, अरे हम लोगों ने भी इस प्रकार का एक मिसाइल तैयार किया है जो है भारत की बराबरी कर सकता है। अपने लोगों को गुमराह करने का, अपने लोगों को पागल बनाने का उनका एक इस प्रकार का जो है ये एक रणनीति का एक हिस्सा है। पाकिस्तान का साहब कभी कोई भरोसा नहीं है। वो कभी कभी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर देता है क्योंकि पाकिस्तान अपने अंदर में बहुत बुरी तरह फंस गया है। पाकिस्तान के झूठ पर अब बारी जनता के प्रतिनिधियों की राय की है। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान ने पहली बार दुनिया को गुमराह किया है। पोखरण में भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि 28 और 30 मई को उसने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया है। बाद में सच सामने आया कि पाकिस्तान ने 28 मई को न्यूक्लियर टेस्ट किया था, लेकिन 30 मई के बाद पाकिस्तान की कोई गप थी। पटना से ब्रजेश मिश्रा।
वाराणसी से अमित सिंह, मुंबई से नित्यानंद शर्मा, दिल्ली से रूफी जैदी और निवृत्ति मोहन के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया। पाकिस्तान या यूं कहें कि फर्जिस्तान का नकली बाबर वाला झूठ तो पकड़ा गया, यह आपने देखा, लेकिन सेल्फ प्रोक्लेम्ड परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान का पूरा परमाणु कार्यक्रम चोरी की तकनीक पर आधारित है। अब देखें पाकिस्तान के चोरी के न्यूक्लियर कारोबार का सच। पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम की स्मगलिंग वाली फिल्म में मुख्य किरदार है पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का। अब्दुल कदीर खान खुद को महान वैज्ञानिक साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन सच ये है कि जब 18 मई 1974 को भारत ने पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया, तब अब्दुल कदीर खान नीदरलैंड की एक परमाणु लैब से परमाणु बम बनाने के नुस्खे चुरा रहे थे। दरअसल अब्दुल कदीर खान वैज्ञानिक का चोला पहनकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी का काम कर रहे थे। ये बात साल 1974-75 की है। इस दौरान अब्दुल कदीर खान नीदरलैंड्स की यूरेंको लैब में काम कर रहे थे। मकसद था यूरेंको लैब से परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाले सबसे अहम पुर्जे सेंट्रीफ्यूज का डिजाइन चुराना। अब्दुल कदीर खान अपने चोरी वाले मकसद में कामयाब हुए, सेंट्रीफ्यूज बनाने का तरीका लैब से चुरा लिया। तो आपने देखा फर्जिस्तान, हमने कहा था आपको कि आप हंसेंगे, बहुत हंसेंगे, बाद में आपको तरस आएगा पाकिस्तान।